इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 2 दिसंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने थे। उनकी यात्रा की याद में मुंबई में समुद्री मार्ग के प्रवेश द्वार के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। देश दुनिया के इतिहास में 2 दिसंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस के सम्राट के तौर पर ताजपोशी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे एन जी चंदावरकर का जन्म आज ही के दिन 1855 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जनसेवक तथा संत बाबा राघव दास का जन्म आज ही के दिन 1886 में हुआ था। आज ही के दिन 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने थे। उनके मुंबई आगमन की याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बी नागी रेड्डी का जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री गुरुदास बनर्जी का निधन आज ही के दिन 1918 में हुआ था। देश के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का जन्म आज ही के दिन 1937 में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका अचला नागर का जन्म आज ही के दिन 1939 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक शिवा अयुदुराई का जन्म आज ही के दिन 1963 में हुआ था। आज ही के दिन 1971 में अरब प्रायद्वीप के 6 क्षेत्रों ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की थी। फरवरी 1972 में इनमें एक 7वां देश भी शामिल हुआ था। गायिका बिटनी स्पियर्स का जन्म आज ही के दिन 1981 में हुआ था। अमेरिका के ये गायिका 1990 के दशक में अंतिम वर्षों में दुनिया भर के अपने हम उम्र किशोरों में बेहद लोकप्रिय रही। आज ही के दिन 1982 में माइकल जैक्सन के मशहूर गीत थ्रिलर का म्यूजिक वीडियो एमटीवी पर प्रसारित किया गया था। इसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। 1989 में आज ही के दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। आज ही के दिन 1999 में भारत में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली थी। 2002 में आज ही के दिन प्रशांत महासागर के बोरा बोरा द्वीप में जलते यात्री जहाज ब्रिज स्टार से 219 लोगों को सुरक्षित बचाया गया था। आज ही के दिन 2003 में बोस्नियाई सर्व के पूर्व सैन्य कमांडर मोमिर निकोलिक को हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र की युद्ध अपराध अदालत ने नरसंहार के लिए दोषी ठहराया था, जिसके लिए मोमिर को 27 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 2005 में आज ही के दिन पाकिस्तान सरकार ने मदरसों द्वारा धार्मिक नफरत फैलाने एवं आतंकवाद के लिए प्रेरणा देने वाले शिक्षा और साहित्य के प्रकाशन पर रोक के लिए कानून बनाया था। आज ही के दिन 2007 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 8 जनवरी के प्रस्तावित चुनावों को देखते हुए देश में विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया था। हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का निधन आज ही के दिन 2012 में हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता देवेन वर्मा का निधन आज ही के दिन 2014 में हुआ था। भारतीय राजनेता एवं महाराष्ट्र के 8वें मुख्यमंत्री A.R. अंतुले का निधन आज ही के दिन 2014 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।